हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो ये इंट्रोडक्शन मैं वापस से शूट कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे लगा मैंने बैक कैमरा ऑन किया हुआ है, बट गलती से फ्रंट कैमरा ऑन हो गया था और वहाँ का रिकॉर्ड हुआ। एनीवेज गाइस, आज है सेकंड डे इन पटाया। हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है एंड राइट नाउ इट्स 10 o'clock। हम लोग आज सुबह जल्दी कहीं बाहर निकलने वाले थे बट वो हो नहीं पाया। वी आर रनिंग लिटिल लेट, बट कोई बात नहीं, मजा आ रहा है यहाँ पे। एंड कल तो रात को आने के बाद बहुत थक गए थे मैं और सोनू, जल्दी से आए, फेस वॉश किया, वी वेंट ऑफ टू स्लीप और बहुत अच्छा फ्रेश फील हो रहा है अभी। सो आज हम लोग जाने वाले हैं कोरल आइलैंड। वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, वाटर एक्टिविटीज, जो हम देखेंगे हमें करनी है नहीं। सो लेट्स सी कैसा एक्सपीरियंस होता है एंड वहां से हम लोग भी कहीं आगे जाएंगे। सो आप व्लॉग एंड तक जरूर देखना एंड आई होप आपको ये व्लॉग अच्छे लग रहे हैं। सो अभी मुझे एक रील बनानी थी, गेट रेडी विथ मी। सो अभी सोनू भी अपना कुछ शूट कर रही थी तो आई थॉट मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करता हूँ अभी। सो मैंने अपना खुद का एक जुगाड़ लगाया है। सो ये रहा मेरा जुगाड़। सो यहाँ पे रखी मैंने टिपोई, उसके ऊपर एक चेयर, उसके ऊपर एक और चेयर, उसके ऊपर जाएगा ये मेरा मिनी ट्राईपॉड और मैं ये बैकग्राउंड में रील शूट करने वाला हूँ। बस से हम लोग यहाँ पर आए हैं दूसरे जगह पे। सो यहाँ से हमें बोट लेनी है और आपने मेरे होटल से देखा होगा कि पटाया सिटी का बोट जो है वो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। सो अभी यहाँ से हमें लेनी है बोट और यहाँ से है कोरल आइलैंड 40 मिनट्स। तो अभी हम लोग बोट में बैठ चुके हैं एंड मैंने ये हैट ले ली थी वहाँ से 50 बाट में, जो मुझे बहुत यूजफुल लग रही है अभी, वरना बहुत गर्मी है, धूप है। सो अभी हम लोग बोट में बैठ चुके हैं, अभी यहाँ से बैठ के हम लोग जा रहे हैं कोरल आइलैंड। सो हम लोग अभी ये ऐसी वाली बोट में बैठे हुए हैं। मैंने कुछ भी शूट नहीं किया बिकॉज इट्स सो हॉट राइट नाउ, मतलब पसीना हो रहा है, टी शर्ट भी शर्ट पूरा गीला हो चुका है। और कोई वाटर एक्टिविटीज नहीं की बिकॉज ये जो हमारी बोट ट्रिप थी वही सबसे बड़ा एडवेंचर था हमारे लिए। और हमारी बोट इतनी बड़ी बड़ी वेव्स के साथ टकरा रही थी, हमें डर लग रहा था कि भाई अभी जाएगी पानी के अंदर, बट लकीली हम लोग सेफली पहुंच चुके हैं। दिस इज सो ब्यूटीफुल, ब्लू ब्लू पानी है, मस्त आइलैंड है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है हम लोग मालदीव्स में आ गए, जैसा पिक्चर्स में देखा है, वीडियोस में देखा है, वैसा हम लोग हूबहू यहाँ पे देख रहे हैं। तो हमारा लंच हो चुका है, लंच में हमने ऐसा कुछ किया नहीं बिकॉज इतनी धूप थी, गर्मी में हमें कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था। सो वी हैड कट फ्रूट्स लाइक वाटरमेलन, मैंगो और ड्रैगन फ्रूट। और अभी सूरज देवता जो है थोड़े शांत हो चुके हैं क्योंकि क्लाउडी हो गया वेदर। आई एम सो हैप्पी, अभी थोड़ा शांति से इस कोरल आइलैंड को हम एक्सप्लोर करेंगे। माई गॉड, वॉट अ हेक्टिक डे इट वॉज। हमने वहाँ पे कुछ शूट ही नहीं किया एंड रिटर्न में भी बोट हमारी जो थी बहुत ही खतरनाक चलाई है भाई साहब ने। ऐसा उड़ रहे हम लोग, झटके मार रहे हैं, हमें डर था कि हमारा बैक वैक टूट ना जाए, इतना बम्प हो रहा था वो पानी में।
बट एनी वेज राइट नाउ इट्स 6 o'clock एंड अभी हम लोग कैब लेके जा रहे हैं होटल, वहाँ पे फ्रेशन अप हो जाएंगे अच्छे से, बिकॉज पूरा बॉडी हमारा यू नो मिट्टी मिट्टी से भरा हुआ है. एंड रात को सुनो वी आर वी गोइंग आउट, हम लोग फुट मसाज के लिए मे भी जाएंगे रात को, एंड मे बी यू नो नियर बाई कोई मार्केट वगैरह होगा वो एक्सप्लोर करेंगे, वो आपके साथ डेफिनेटली शेयर करेंगे. सो या अभी पहुंचते हैं होटल एंड फ्रेशन अप हो जाते हैं. भूख भी बहुत लग रही है, हमने फ्रूट्स खाए हैं खाने में लंच में, इमेजिन उसके अलावा कुछ भी नहीं खाया हमने. एंड बाय द वे गाइस, मैं आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहता था कि यहाँ पे कोकोनट वाटर का टेस्ट एकदम अलग है, लाइक इतना मीठा आपको लगेगा किसी ने शक्कर डाल के दिया हुआ. राइट सोनू, बहुत लोगों को पसंद नहीं आया हमने जिनसे पूछा, बट हमें तो काफी अच्छा लगा. हाँ एंड मलाई भी इतनी मोटी तगड़ी सी, तो मुझे तो यार यहाँ का कोकोनट वाटर बहुत अच्छा लगा. कितना 120 rupees राइट, लाइक 60 baht एंड इंडियन रुपी अगर देखने जाए तो 120 rupees, कई जगह पे 180 में भी बेच रहे थे लोग. सो गाइस 40 बात अगर आप इंटरनली सिटी में देखोगे तो आपको 80 rupees इंडियन रुपीज में मिल जाएगा. एंड अगर आप कहीं बीच साइड या हाँ टूरिस्ट अट्रैक्शन पे हो आप, तो फिर आपको वहाँ पे थोड़ा 80-90 के आसपास मिलेगा, 100 के ऊपर मिलेगा मोस्टली. हाँ सो गाइस, मैंने यहाँ पे एक अलग ही कॉन्सेप्ट देखा ओपन जिम का, ये 24/7 ओपन रहता है. यस यहाँ पे बहुत सारे इक्विपमेंट्स है, बहुत ही बड़ा जिम है आगे तक है, यहाँ पे लिखा है ओपन 24 आवर्स, मतलब आप यहाँ पे बहाना बना ही नहीं सकते हो कि भी रात हो गई है जिम बंद हो गया रहेगा. यहाँ पे 24/7 ओपन है, रोड पे ही है, आप आओ वर्कआउट करो. एंड नाइस, आई लाइक इट. फ्रेशन अप होके अभी हम लोग निकल चुके हैं स्ट्रीट्स एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पे, एंड ऑफकोर्स डिनर भी करना है हमें, वी आर सो हंग्री. इट्स 8:30 राइट नाउ एंड वी आर लुकिंग फॉर अ गुड प्लेस टू सिट एंड ईट एंड एंजॉय आवर डिनर. यहाँ पे मुझे एक और बात अच्छी ये लगी दैट अगर आपको कहीं ट्रैवल करना है तो ऑफकोर्स यहाँ पे यू नो ऐसे टुक टुक्स तो आपको मिली जाएंगी, पर अगर आपको ये भी नहीं लेनी तो आपके पास है टैक्सी का ऑप्शन, अगर आपको वो भी नहीं चाहिए तो यहाँ पे एक और सर्विस मिलती है दैट इज ये, यहाँ पे 2-wheelers ऐसे टैक्सी चलती है और लाइक हमारे वहाँ पे भी है ऑफकोर्स, बट हमें क्या करना पड़ता है ऐप से बुक करनी पड़ती है, बट यहाँ पे ऐसे ही घूमते रहते हैं. आप जहाँ जाना है वो लोकेशन बता दो, वो आपको प्राइसिंग बता देंगे, थोड़ा बार्गेनिंग कर लो एंड दे विल ड्रॉप यू ऑन एन एक्टिवा. सो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी सर्विस, काफ़ी कन्वीनियंट है, ईजी है. रात के अभी 10 बज रहे हैं एंड वी जस्ट गॉट डन विद आवर डिनर. मैंने अभी रामेन मंगवाया था एंड सोनू ने मंगवाए थे फ्राइड राइस, बहुत ही अच्छा लगा, मेरा तो दिल खुश हो गया क्योंकि मुझे कुछ डिफरेंट और कुछ अलग ही ट्राई करना था यहाँ पर आकर. हमें पता चलेगा कि यहाँ का कल्चर कैसा है, यहाँ का टेस्ट कैसा है, कैसे स्पाइसेस यूज होते हैं. सो आई एम सो हैप्पी कि मैंने यहाँ पे ये डिश ट्राई की एंड फ्राइड राइस भी थोड़े डिफरेंट थे, थोड़ा ऑयल यहाँ पे ज्यादा यूज करते हैं फ्राइड राइस में, बट ठीक है, आई लाइक इट, थोड़े स्पाइसी थे, बहुत मजा आया. सो मैंने यहाँ के हर मॉल में ये चीज देखी है, आप जहाँ भी चले जाओगे आपको ये क्यूट से वेंडिंग मशीन्स दिखाई देंगे जहाँ पे आपको ऐसे स्मॉल स्मॉल एक्शन फिगर्स मिलेंगे. वाओ, ये तो मेरा फेवरेट है टॉय स्टोरी कलेक्शन. यहाँ पे मुझे इसमें से अगर कुछ मिल जाए तो मजा आ जाए, मैं ये भी देख रहा हूँ ट्राई करने के लिए. शिनचैन है यहाँ पे, ओ वाओ, ये बहुत क्यूट लग रहे हैं यार बाय द वे. एंड यहाँ पे ये किटीज है, ये वो आई थिंक कार में लगाने के लिए बहुत अच्छा है. यहाँ पे भी है शिनचैन, बहुत क्यूट क्यूट है सारे एक्शन फिगर्स. प्लीज गॉड वो, अरे राज वापिस आ जा यार, बूढ़ी की फ्रेंड. हाँ कुछ नाम मैं भूल गया, सेम निकली बकवास मशीन. चलेगा, एटलीस्ट एलियन तो निकला ही है. ठीक है, ओके. सो अभी हम लोग आए हैं पटाया नाइट बाजार में. अब ऑलमोस्ट पूरी बाजार जो है पूरी बंद हो चुकी है बिकॉज इट्स 11:30 राइट नाउ, ऑलमोस्ट 11 बजे तक बंद हो जाती है. पर यहाँ पे एंट्री के पास ही है सारी सुवीनियर्स की शॉप है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिलती है लाइक सुवीनियर्स से लेके फ्रिज मैग्नेट से लेके हाउस होल्ड आइटम्स सब 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 कुछ है इनके पास. तो यहाँ से मैंने कुछ मैग्नेट्स, थैंक यू, गुड नाइट. यहाँ पे स्टोर में कोई इंडियंस थे, उन्होंने मुझे पहचान लिया एंड वो फोटो वोटो ले रहे थे, तो दे वर ऑल्सो आस्किंग कि वाई आर दे क्लिकिंग पिक्चर्स विथ यू. देन मैंने उन्होंने बोला कि मैं कौन हूँ, तो दे गॉट हैप्पी. एंड अभी 11:30 हो रहा है, अभी हम लोग जा रहे हैं होटल.
देख रहे हैं टुक टुक लें या तो चल के जाएं, पास में है वैसे तो 6 मिनट दूर है। एक्चुअली गाइज मैं आपको बताता हूँ, हम लोग ये सेंट्रल फेस्टिवल मॉल में थे और यहाँ से हमें बैक गेट से सीधा यहाँ पे आना था। ये शॉप पे ये है नाइट बाजार और मैप ने हमें बताया कि आपको घूम के 4 मिनट में आना है, तो हम पूरा यहाँ पीछे से ऐसे घूम के यहाँ पे आए चल के और हमें लगा 4 मिनट का कितना 20 मिनट। क्योंकि गाइस ये कंफ्यूजन इसीलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे ये सारे रोड वन वे होते हैं, तो इसीलिए कंफ्यूजन क्रिएट होता है, बिकॉज ये जो मैप ऑन करते हैं वो कार और टू व्हीलर्स के लिए होता है, इसीलिए कंफ्यूजन। और वैसे सुन के बहुत ईजी लगता है 3 मिनट 4 मिनट, बट वो 1 किलोमीटर वैसा लंबा लंबा होता है। हम लोग इतने टायर्ड है कि हमें जरा भी चलने की ताकत नहीं है, तो अभी बस जा रहे हैं हम लोग होटल और फ्रेशन अप होके सो जाएंगे। मेरे सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं एक ही गाड़ी के अंदर। गाइज मैं अगर अपने सारे सॉफ्ट टॉयज निकालूँ ना अपने बेड में से, तो इतना इससे डबल गाड़ी भर के निकलेंगे। अभी आए हम लोग 7-Eleven में जो हमारे होटल के सामने ही है और वहाँ से हम लोग खा रहे हैं माइलो आइसक्रीम। वाह, और यहाँ पे मैग्नम का माचा फ्लेवर भी है और क्या क्या फ्लेवर है जो मैं आपको बाद में अगर ट्राई किया तो मैं दिखाऊंगा। फ्लेवर आ रहा है मतलब अच्छा सा, नाइस, नॉट बैड। सो अभी सोनू ने लिए मैंगो आइसक्रीम, दिस इज सो डिलीशियस। एंड ये मैंगो तो ओ हो, काश ये इसे मैं इंडिया ले जा सकता, इतनी डिलीशियस है ये, मॉम डैड को खिला सकता। मेरी मॉम को तो काफ़ी पसंद आता बिकॉज शी लव्स मैंगो।